हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार यशबीज हेल्थ में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि डायबिटीज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे और नॉर्मल जीवन कैसे जिएंगे, उसके ऊपर ही मैं आज वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं पहले क्षमा मांगना चाहता हूं कि काफ़ी दिन से यहां पे वीडियो लेकर के मैं नहीं आया था, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। और दोस्तों, मेरे माताजी एक्सपायर हो गए थे, इसलिए थोड़ा माइंडसेट मेरा ठीक नहीं रहता था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता था दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि अपने इंडिया के अंदर कम से कम तो 10 लाख से प्लस हैं डायबिटीज पेशेंट, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन लेकर के आया हूं। और तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं पहले की तरह, जो कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर पहले बार इस चैनल पे आए हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन का घंटी होगा, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस जरूर कर लें दोस्तों। उससे होगा यही कि जैसे मैं वीडियो यहां पे अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की टॉपिक पर कि आज डायबिटीज पेशेंट के लिए हम क्या अच्छी सोल्यूशन कर सकते हैं और उनकी जीवन कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में काफ़ी लोग डायबिटीज पेशेंट हैं, और डायबिटीज पेशेंट एक बार जो हो जाते हैं तो समझिए उनको आधी मृत्यु हो गया, यानी कि आधी मृत्यु इस तरह से कहा जाए कि वो अच्छी तरह से यानी कि सारे भोजन नहीं कर सकते, अपने इच्छा अनुसार से भोजन नहीं कर सकते, वो चाय नहीं पी सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते, अगर चाय पीते भी हों तो बगैर शक्कर का चाय पीते हैं दोस्तों। अब सोचिए कि ऐसे स्थिति में जो चाय पीते हैं, वो चाय पीना या ना पीना बात बराबर है, अपने इच्छा से वो भोजन भी नहीं कर सकते, यानी कि दाल चावल और भी कोई मिठास वाली वस्तु हो उसे नहीं खा सकते, उनकी जीवन बिल्कुल रूखा सूखा हो जाता है दोस्तों। डायबिटीज एक ऐसे भयानक बीमारी है जो कि जिसकी मानव जीवन में लग जाए यानी कि दीमक की तरह वो लग जाता है दोस्तों, उनके सारे जीवन को नष्ट कर देता है दोस्तों। ऐसे डायबिटीज पेशेंट की जीवन नरकमय हो जाता है। तो दोस्तों, आज देखा जाए तो जब कोई पर्व त्यौहार आता है और उसमें भी घरों में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनता है, कुछ बाज़ार से भी मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, लेकिन अपने सामने मिठाइयाँ रखा होता है लेकिन उस मिठाइयाँ को हम खा नहीं सकते दोस्तों। तो दोस्तों, ये आधी मृत्यु नहीं है तो क्या है दोस्तों, जो कि अपने जीवन को ही अपने अनुसार नहीं जी सकते और हर दिन सुबह शाम गोलियां खाना पड़ता है, टैबलेट्स खाना पड़ता है, और उस टैबलेट्स की वजह से दोस्तों लोगों को इंसुलिन कम होता है, पैदा होना हो जाता है, इसके वजह से इंसुलिन का प्रॉब्लम जब हो जाता है तो दोस्तों उनको इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, प्रतिदिन एक इंजेक्शन देना पड़ता है। जब वो इंजेक्शन लेते हैं तब जाकर के वो खाना पीना खाते हैं, लोगों को हाथ पैर में कट जाए छिल जाए तो जल्दी उसमें वो रुझान नहीं आता है, वो जख्म मिटता नहीं है, ऐसे परेशानियां हो जाता है, लोगों को हाथ पैर भी कटवाने पड़ते हैं, वो सारे दुख देख करके बहुत दिल दहल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं इसीलिए इसके ऊपर ही मैं बहुत अच्छा रिजल्ट वाला प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ, जो कि यशबीज मार्केटिंग ने इसे तीन प्रोडक्ट को बनाए हैं। आज मैं तीन प्रोडक्ट की जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, और इस तीनों प्रोडक्ट के अगर आपने 90 दिन तक यानी कि 3 महीना आपने यूज कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो तूफान आया था वो तूफान चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ठीक किया हूँ। कुछ लोगों को 400 से नीचे नहीं होता है, किसी का 500 से नीचे डायबिटीज नहीं होता है, और किसी का 600 से नीचे नहीं होता है डायबिटीज दोस्तों। ऐसे लोग भी आज नॉर्मल जीवन जी रहे हैं इन तीन प्रोडक्ट को सेवन करके,
तो दोस्तों आज ऐसे ही तीन प्रोडक्ट की मैं पूरी जानकारियां दूंगा कि इन तीनों प्रोडक्ट को किस तरह से आप लेंगे और कैसे आप उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में जो ये बाढ़ तूफान आया है ये तूफान को आप दूर कर सकते हैं और नॉर्मल जीवन आप जी सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोडक्ट है कि हमारे यश बीज मार्केटिंग ने जो नोनी जूस बनाया है दोस्तों, वो नोनी जूस इतना ज़बरदस्त रिजल्ट वाला है और उसके अंदर डेमना कैंथल भी है, यानी कैंसर के ऊपर भी वो काम करता है, डायबिटीज में भी काम करता है, यानी कि 200 बीमारियां को वो मैनेज करता है दोस्तों नोनी जूस। तो दोस्तों डायबिटीज का तो रामबाण इलाज है और डायबिटीज पेशेंट आप हैं तो डायबिटीज में उसे किस तरह से लेना चाहिए वो भी मैं जानकारियां यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि नोनी जूस के बारे में पूरा डिटेल में और भी बताना तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं उसे इस्तेमाल किस तरह से करेंगे डायबिटीज पेशेंट वही मैं जानकारियां यहाँ पे अभी दूंगा। तो नोनी जूस को दोस्तों आप जैसे रात को खाना पीना खा करके सो जाते हैं और सोने के बाद दोस्तों आप जब सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले टॉयलेट में आप जाते हैं तो आपको वो सब क्रिया बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको 40 से 50 मिलीलीटर गुनगुना पानी लेना है, गर्म पानी लेना है और गर्म पानी लेने के बाद और जब भी आप उसको नोनी जूस को इस्तेमाल करेंगे तो कांच के गिलास में ही इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि स्टील के गिलास हो या एनीबॉडी कोई भी गिलास हो उसमें आप इस्तेमाल ना करें, कांच के गिलास में ही इस्तेमाल करें और उस जूस को आप 40 से 50 मिलीलीटर पानी लें, गुनगुना पानी लें, गर्म पानी और उसके अंदर नोनी जूस जो होगा उसके ऊपर एक कैप आपको मिलेगा, 15 मिलीग्राम का कैप होगा, वो 15 ml उस पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह से घोल देंगे और घोलने के बाद दोस्तों उसे आप जैसे चाय पीते हैं उस तरह से आपको धीरे धीरे फूंक फूंक के पी जाना है और पीने के बाद आपको टॉयलेट में जाना हो जा सकते हैं, उसके बाद ब्रश करना हो ब्रश भी कर सकते हैं और उसको भूखे पेट लेना है दोस्तों, बासी मुंह जिसे गुजरात में नैना कोटे भी कहते हैं और हिंदी में बासी मुंह कहते हैं कि जैसे उठा वैसे आप कोई किसी बंदे को ऐसा ही होता है कि पानी पीते हैं तो उसके जगह पे नोनी जूस को पीना है। और 15 ml मैं इसके लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जैसे मानव जीवन का जो शरीर होता है शरीर वात पित्त कफ के ऊपर डिपेंड होता है तो कभी माइनस प्लस होते रहता है, तो 15 ml आप शुरुआती में 7 दिन तक आप 15 ml ही लें, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर में वो 15 ml जो नोनी जूस जाता है वो आपके शरीर को मैनेज कर देता है, बैलेंस कर देता है, बांध पर पित्त जो कप है उसे बिल्कुल सर्कुलेट में ला देता है और उसके बाद आप 1 सप्ताह के बाद वही नोनी जूस को आप गर्म पानी में आपको 2 ढक्कन लेना है, यानी कि 15 ml का 2 ढक्कना डालेंगे तो 30 ml हो जाएगा, यानी फिर वहां से 1 सप्ताह के बाद 30 ml आपको प्रतिदिन सुबह सुबह बासी मुँह में ही लेना है। और बासी मुंह में इसके लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब आप सो के उठते हैं तो मुंह के अंदर एक स्लाइवा उत्पन्न होता है जिसे हम लार भी कहते हैं और वो जो लार होता है यानी कि वो सोने से महंगा भी होता है हमारे जीवन के लिए, तो उस लार के साथ जैसे ही ये जूस अंदर जाता है दोस्तों तो वो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देता है और हमारे शरीर को जल्द से जल्द यानी कि एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जो हमारे शरीर के अंदर कचरा डस्ट जो भी होगा उसे बाहर निकालने में काफ़ी मदद मिलता है और इसे उपयोग आप कांच के गिलास में ही करें दोस्तों तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और नोनी जूस हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आप इस तरह से होता है, अगर नहीं कभी देखे होंगे तो आप इसका देख लीजिए और जब भी आप इस्तेमाल करें तो यश बीज मार्केटिंग का जो नोनी जूस बनाया हुआ है उसी को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने उसी से लोगों को ठीक किया हूँ और उसी के बारे में मैं बता सकता हूं आपको। तो दोस्तों अगला प्रोडक्ट ऐसा है कि एक एंजाइम ड्रॉप यानी कि नोनी ड्रॉप के नाम से जाने जाते हैं, उसे एंजाइम ड्रॉप भी कहते हैं और एंजाइम ड्रॉप दोस्तों उसे भी आपको साथ में लेना है और उसे किस तरह से आप लेंगे वो भी उसका जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ।
तो दोस्तों जब आप नोनी जूस ले लेते हैं उसके बाद या आप टॉयलेट में जाएं, ब्रश करें, नहाए धोएं, फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद आप जब नाश्ता लेते हैं और नोनी जूस लेने के बाद ही आपको कम से कम आधे घंटे तक भूखे रहना है, और उससे ज़्यादा अगर रह सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आधे घंटे आपको ज़रूर भूखा रहना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 9 से 10 बजे के बीच में आपको ये जो नोनी एंजाइम दिख रहा है, एंजाइम ड्रॉप हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो इस एंजाइम ड्रॉप में लिक्विड आता है, उसे आपको क्या करना है, 9 से 10 के बीच में आपको कभी भी जीभ के नीचे, जीभ के ऊपर नहीं लेना है आपको, जीभ के नीचे आपको 3 से 4 बूंद ले लेना है। अगर 5 बूंद भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना आपको 10 बजे के आसपास ले लेना है। और लेने के बाद 5 से 7 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड आप अपने मुंह में उसे ऐसे ही रखे रहें, उसके बाद आपको 2 घूंट पानी पी लेना है। जो नॉर्मल पानी आप पीते हैं वैसा ही नहीं कि फ्रिज का पानी पीना, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पानी जो सादा पानी होता है वही पानी को आपको 2 ही घूंट पीना है, उससे ज़्यादा नहीं पीना है दोस्तों। अगर ज़्यादा प्यास आपको लगा हुआ है तो 10-15 मिनट के बाद आपको जितना भी इच्छा हो पानी पीने का तो उसे आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप एंजाइम ड्रॉप को लें और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में फिर से उसी नोनी जो एंजाइम ड्रॉप है उसको आपने क्या करना है, फिर से जीभ के नीचे 3 से 4 बूंद ले करके जिस तरह से आपने 5 सेकेंड के बाद 2 घूंट पानी पिए थे उसी तरह से फिर से आपको पी लेना है। और वो पीने के बाद फिर आप जो भी काम काज करते हैं वो आप करते रहना है, आपको इसी तरह से आपको हर दिन लेते रहना है। और तीसरा प्रोडक्ट है जो दोस्तों वो पंच तुलसी है। ये पंच तुलसी को आप पूरे दिन में, आप अगर बोतल में पानी पीते हो तो उसमें 1 से 2 बूंद डाल दें, और डालने के बाद पूरे दिन पीते हैं तो और भी अच्छा है। अगर पूरे दिन नहीं पी सकते आप तो सुबह सुबह आप क्या करें, जैसे नाश्ता वगैरह ले लेते हैं सुबह में, उसके बाद क्या करना है कि आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी के अंदर 1 से 2 बूंद डाल करके सुबह में इस तुलसी को पी लें। हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है दोस्तों। इसमें ये 5 तुलसियों से बनाया हुआ है और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पावर है जो कि मानव शरीर को एक्टिवेट करने में बहुत ही मदद करता है दोस्तों, और कोई भी फंगल वायरस नहीं लगने देगा, उससे आपको सेफ रखेगा। तो दोस्तों इसे पंच तुलसी को क्या करना है, गर्म पानी ले नाश्ता करने के बाद, और गर्म पानी में 2 बूंद डाल करके आप इसे पी जाएं, और इसी तरह से शाम को भी आप गर्म पानी ले उसमें 1 से 2 बूंद डाल करके पी जाएं, यानी कि पूरे दिन आप नहीं पी सकते तो इस तरह से आप पी सकते हैं। और इन तीनों प्रोडक्ट के आप जब लेना शुरू करेंगे दोस्तों, और उसके बाद आप 1 महीने में तो यानी 20 से 25 दिन तक आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 महीना होने के बाद आपके शरीर में ऑटोमेटिक मालूम पड़ने लगेगा कि हमारे शरीर में क्या फेर बदल हो रहा है और क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से आपको अपने आप फील होने लगेगा और इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों नोनी जूस वही व्यक्ति इस्तेमाल करें जिनका कि किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो नोनी जूस को आप इस्तेमाल ना करें, उससे पहले आप किडनी को आप दवा खा लें या तो ठीक कर लें, उसके बाद ही नोनी जूस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं है तो बिल्कुल आप बिंदास यूज करिए, और वैसे भी डायबिटीज पेशेंट को किडनी बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है क्योंकि इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे डायबिटीज वाले को ज़्यादातर के किडनी फेल हो जाता है, और आज ज़्यादा ज़रूरत है किडनी का तो डायबिटीज पेशेंट का ही है। तो दोस्तों इस तरह से आप इन तीनों प्रोडक्ट को आप 100% आप यूज करें,
आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को इन दवा को यूज करवाया हूं और लोगों को रिजल्ट भी देखा हूं। लोग आज नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं दोस्तों, और वो आज मिठाइयाँ भी खा रहे हैं दोस्तों, कहीं कोई पार्टी में जाते हैं वहाँ भी इंजॉय करते हैं। और जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले तो सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है दोस्तों, तो फिर से आप वापिस जैसे आप थे वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे और सेक्सुअल इंजॉय भी कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है दोस्तों प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा देखा हुआ है। आप एक बार इस्तेमाल करें, उसके बाद जरूर हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैं पहले जैसा जीवन जीता हूँ, जो मर्जी करता है वो खाना खाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का आपका जीवन हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप एलोपैथिक दवा लेते होते हैं पहले से, तो उस दवा को ना बंद करें, क्योंकि जब तक आपका डायबिटीज़ नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक आपको दवा चालू रखना है। ऐसा नहीं कि वो दवा बंद करके इस दवा को चालू रखें, तो एक आध महीना दो महीना तक आपको एलोपैथिक दवा लेते रहना है। आपका नॉर्मल हो जाता है उसके बाद आप बिल्कुल बंद कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जानकारी से अगर आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ मिला हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फिर मैं मिलूँगा अगले कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को